नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र के भासर चौक पे, और यहां बीती रात एक शिक्षक का जो उसके पत्नी के बॉयफ्रेंड द्वारा कान कटवा दिया गया, ऐसा मामला हमें सुनने को मिला है। हम यहां पर उसकी पुष्टि के लिए आए हैं कि आखिर मामला सच है या सिर्फ अफवाह हो रहा है। लड़का के भाई यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? विनोद कुमार पाठक। यहाँ जो घटना के बारे में लोग कहते हैं कि आपके भाई का कान काट दिया गया, सत्य है? हाँ, घटना सत्य है। कैसे घटना हुई थी? घटना 8 से 9 के बीच में हुई थी। वाइका बैक आया और हमला किया, तो डायरेक्ट आया हमला कर दिया। जैसे इसी जगह घटना हुई थी, तो अचानक कोई घर में कैसे घुस जाएगा यहाँ पर हमला कर देगा? वो आया, बोला एक चिट्ठी है, चिट्ठी दिखाने के बहाने तलवार निकाल के हमला कर दिया। पोस्ट मतलब बोला कि हम पोस्ट ऑफिस से है, चिट्ठी आपका है? नहीं, तो आया बोला एक चिट्ठी है बस, मतलब हम आपको चिट्ठी देने आए हैं। हाँ। और चिट्ठी देने के बहाने वो तलवार निकल के हमला कर दिया। सिर्फ उनका कान काटना चाह रहा था या उस पे गर्दन काटना उसका चाह रहा था? तो मर्डर के हमला के वजह से आया हुआ था, यही सोच के आया हुआ। लोगों का कहना है कि अफवाह हो रहा है कि उनकी पत्नी, जैसे आपके भाई की पत्नी का पुराना आशिक है जो ऐसा करवाया है। वो सो मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है? अभी आपका भाई का क्या हाल है? अभी तो पटना एम्स में भर्ती है। मतलब अभी सीतामढ़ी में था सुबह में? ना नहीं, राते मुजफ्फरपुर के लिए निकल गया था, मुजफ्फरपुर से रेफर करके पटना रेफर हो गया। कंडीशन कैसा है? स्थिति उसका इलाज चल रहा है। इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, यहाँ पर मौजूद है बाकी लोग, उनसे भी हम जानते हैं। घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? हम लोग तो सुने हैं जो कान कट गया, बल्कि चलाया वो गर्दन पर, गर्दन बच गया, कान कट गया, इतना बात हम लोग सुने हैं, इससे आगे कुछ नहीं हम लोग के पता है। अच्छा, जो कान काटा था वो भाग गया या पकड़ाया है? मालूम हुआ जो दो भाग गया, एक पकड़ाया। तीन व्यक्ति था। हाँ, ऐसे हुआ हम लोग के, आई मालूम हुआ हम लोग के 10 बजे दिन में। हाँ। हाँ। जो शिक्षक है जिनके साथ घटना हुआ है, उनके चाचा, अब चाचा कैसे घटना हुआ था? ये हम भी कॉल में थे, हम यहाँ पर थे नहीं, यहाँ से कॉल यही बुआ किया जो ऐसे ऐसी की घटना घटा है। जब तक हम आए तब तक तो बहुत ज्यादा अति भीड़ था, उसके बाद हम तो उस लड़का को लेकर सीतामढ़ी भेज भैया के साथ, तो अभी पटना एम्स में रेफर हो गया। लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी का जो पुराना दोस्त ही ऐसे घटने को अंजाम दिया है। ये हमको जानकारी नहीं, ना किसी को जानकारी है अभी तक। जो लड़का यहाँ पर आकर के इसी दुकान में घटना कारित किया है, ये जानकारी हमको नहीं। तो घटना कहाँ पर हुआ था? घटना तो यहीं पर हुआ। हाँ, तो यहाँ जो कारित किया था, लड़का पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा गया। वो लड़का क्या कह रहा था थाना में? तो लड़का से पूछताछ तो हुआ होगा? हम लोग नहीं गए, हम नहीं गए थाना में, तो हम बता पाए आपको। थाना में नहीं गए? नहीं। अभी आपके भतीजे का क्या हाल है? वो तो स्थिति गंभीर ही है, एम्स में है एडमिट, पटना एम्स में। बचने का संभावना है? उनकी पत्नी कहाँ है अभी? वही है, पटना में है। हाँ। यहाँ नहीं है? नहीं। चलिए, घटना के बारे में बता रहे हैं कि यही वो स्थान है, इसी दुकान में सो घटना को अंजाम दिया गया था। एक शख्स आया, और जैसे कि आपने सुना कि उनके भाई के द्वारा कि एक शख्स आया, चिट्ठी देने के बहाने आया और तलवार निकाल करके हमला कर दिया। हमला ऐसे किया कि उसका कान कट गया। हालांकि कई जगहों पर जो तस्वीर आप देख सकते हैं, कई जगहों पर जो चोटें लगी हैं, हाथ है, कान है, सिर है, कई जगहों पर उनको, उनके ऊपर वार किया गया, लेकिन घटना को अंजाम क्यों दिया गया किसी को पता नहीं है। लेकिन बाहर जो है न्यूज़ चैनलों पर यही चल रहा है कि उसके जो पुराने प्रेमी है जो शिवहर से आ करके यहाँ घटना को अंजाम दिया था। अब सच्ची बात क्या है, वो घटना का रियल घटना क्यों हुआ, ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस जाँच में आखिर इस घटना को किस मोड़ तक ले जाती है।